Hello friends, namaste. Hope you all are doing well and following the lockdown. आज मैं आप सबसे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाली हूँ. आप सबको पता है कोरोना वायरस के केसेस डे बाय डे हमारी कंट्री में और वर्ल्ड वाइड बढ़ते ही जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है. जब भी किसी पर्सन को कोरोना वायरस इफ़ेक्ट करता है और उसके कॉन्टेक्ट में कोई दूसरा पर्सन आता है तो ये उसको भी इफ़ेक्ट कर देता है. ऐसे में सबसे ज़्यादा हमें अपने बच्चों की प्रोटेक्शन की, उनकी केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं. सो आज मैं आप सबके साथ एक ऐसे ही सेंसिटिव टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे हम COVID-19 से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं. इस लिस्ट को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट जो है वो है हमारी हाइजीन, सेकेंड है फूड एंड थर्ड है हमारी नोट टू डू लिस्ट. तो आइए बात करते हैं फर्स्टली हाइजीन के बारे में. तो हाइजीन जो है उसको मैंने कैटेगराइज किया है 2 पॉइंट्स में. फर्स्ट है आपकी चाइल्ड हाइजीन एंड सेकंड है सराउंडिंग हाइजीन. चाइल्ड हाइजीन में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी अपने बच्चे के पास जाएं एवरी 30 मिनट्स में उसके हैंड्स को वॉश करवाएं या फिर सैनिटाइज कर दें. सेकंड आपको जो पॉइंट है वो ध्यान रखना है कि आप बच्चे को डेली बात करवाएं. इवन अगर पॉसिबल है तो आप उसको मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम में बात कराएं. उसके कपड़े चेंज करें, जिससे क्या होगा कि अगर वायरस कोई भी उसको इन्फेक्ट करने के चांसेस हैं तो वो वॉश हो जाएगा. नेक्स्ट जो पॉइंट है, जब भी बच्चा स्नीच करे या फिर आप उसके बच्चे के सराउंड में स्नीच कर रहे हैं तो आप अपने फेस को या फिर बच्चा अपने फेस को टिश्यू से या हैंकी से कवर कर ले. बाय चांस उस टाइम पे आपके पास टिश्यू या हैंकी नहीं अवेलेबल है तो आप अपनी एल्बो का यूज़ करें. एल्बो से अपने फेस को इस तरीके से कवर करें ताकि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरे बंदे तक ना पहुँचें या फिर आपके बेबी तक ना पहुँचें. ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं सराउंडिंग हाइजीन की. ये बात थी हमारी चाइल्ड हाइजीन की. उसके बाद हमारे बच्चे के आसपास की हाइजीन, उसका हमें कैसे ध्यान रखना है. हमें अपनी बेड शीट्स जो हैं, अपने सोफ़ा कवर्स जो हैं, उनको एवरी वीक वॉश करना है. एवरी संडे आप वॉश कर सकते हैं या वीक का कोई भी एक डे पिक कर सकते हैं. उस दिन आप अपने सारे जो भी बेड शीट्स वगैरह हैं, सोफ़ा कवर्स वगैरह हैं, उनको वॉश कर सकते हैं. कर्टेंस को साफ रखें या तो अपने सोफ़ा कवर्स हैं, टेबल कवर्स हैं, उनको डेली वीकली वॉश करें. ठीक है, डेली उनको झाड़ के बिछा सकते हैं. आप अपने बच्चों के कपड़ों को डेली वॉश करें और वॉश करने के बाद उनको डिटॉल में डिप करके रखें. उससे क्या होगा, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी वायरस है, वो किल हो जाएगा. नेक्स्ट जो है, आप अपनी सराउंडिंग में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके कॉन्टेक्ट में बार बार आती हैं, जिनको आप बार बार टच करते हो, उनको आप डेली सैनिटाइज कर सकते हैं. जैसे कि आपका रिमोट हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, या फिर आपके दरवाजे या फिर खिड़कियाँ होती हैं, उनकी जो कुंडियाँ होती हैं, उनके हैंडल होते हैं जिनको पकड़ के आप उनको खींचते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, उनको आप डेली सैनिटाइज करें. नेक्स्ट जो है, आप अपने जो बच्चे हैं उनके हैंड्स को सैनिटाइज करना ना भूलें. भी बाहर से आपके घर में कोई भी सामान आ रहा है, जैसे कोई पैकेट वाला सामान आ रहा है या कोई फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रहे हैं, आप उनको घर के बाहर ही वॉश कर लें. जिससे क्या होगा कि कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस जो होंगे वो बाहर ही वॉश हो जाएंगे, कोई चांसेस जो अंदर नहीं आ पाएंगे, कोई बैक्टीरियाज़ वगैरह अंदर नहीं आ पाएंगे. वेजिटेबल्स को, दूध के पैकेट को अच्छे से वॉश करें, हो सके तो गर्म पानी में वॉश करें. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसमें हम बात करेंगे अपने फूड की, कि हमें किस टाइप का फूड बच्चों को देना चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें खिलानी चाहिए. सबसे पहले आप अपने बच्चे को बॉइल्ड वाटर पिलाएं, बॉयल करके उसको ठंडा करके रख लें या फिर हल्का गुनगुना पानी पिलाते रहें. बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं, हर 20 मिनट में, 25 मिनट में, चाहे बच्चा थोड़ा पानी पिए बट जल्दी जल्दी उसको पानी पिलाते रहें. ठीक है, उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चे को कच्ची सब्जियां ना दें. जैसे सैलेड वगैरह में कच्ची सब्जियां देते हैं, अगर हम यूज़ करते भी हैं तो उनको बॉइल्ड वाटर से वॉश करके अच्छे से फिर यूज़ करें. अदरवाइज़ हम सब्जियों को अच्छे से बॉयल करके, अच्छे से पका के फिर यूज़ करें. अब पकाने के लिए हमें किन चीज़ों का यूज़ करना है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करें. उससे क्या होता है, उसमें जो आपकी एंटीवायरस प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपके वायरस को ग्रूम नहीं होने देती हैं.
ठीक है। उसके बाद है हमारा खाने को जो है फ्रूट्स जो हैं उनको भी अच्छे से वॉश करें, और जो भी फ्रूट्स हैं कोशिश करें कि छिलके वाले, मोटे छिलके वाले फ्रूट्स का यूज़ करें, जैसे कि आपका बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, वाटरमेलन हो गया। इनमें क्या होता है, इनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो हमें यूज़ नहीं करनी होती, वो हमें खानी नहीं होती, उसको हम निकाल के फेंक देते हैं, और जो अंदर वाला पार्ट होता है वो सेफ होता है, तो इसलिए हम ऐसे फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, तो सिट्रस फ्रूट्स का यूज़ करें। नेक्स्ट जो है, आप अपने खाने में मैक्सिमम तुलसी, अदरक, जिंजर और आपका गार्लिक, इन सब चीज़ों का यूज़ करें, ब्लैक पेपर, इन सब चीज़ों में क्या होता है, इनमें भी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इनका यूज़ करें जितना हो सके उतना ज़्यादा। फूड इंग्रेडिएंट्स हैं ये, आपके एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होने के साथ साथ नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स भी है, जो बच्चे की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आप अपने बच्चे को हनी दे सकते हैं डेली, क्योंकि हनी जो होता है उसमें एंटीबायोटिक और साथ साथ उसमें भी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद है आप अपने बच्चे को क्या ना खिलाएं, कच्ची सब्जियां ना खिलाएं, कोशिश करें ना खिलाएं, अगर खिलानी है तो उनको अच्छे से बॉयल करके खिलाएं, कच्चा मांस ना खिलाएं, एग ना खिलाएं, नॉनवेज तो अवॉइड ही करें इस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद है हम अपनी बात करते हैं नॉट टू डू लिस्ट, मतलब क्या नहीं करना है बच्चों को, आपको किस चीज़ों से रोकना है बच्चों को करने से। फर्स्ट है आप बच्चों को बाहर जाने से रोकें, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग जितनी ज़्यादा बना के रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। बच्चों को पार्क में ना जाने दें, बाहर इवन नेबर्स के पास भी ना जाने दें। हमें कई बार क्या है, ऐसे लगता है कि नहीं हमारे पड़ोसी हैं उनको तो कोई बीमारी नहीं है, उनके यहाँ तो किसी को कोल्ड कफ भी नहीं है, कोई बात नहीं बच्चा है थोड़ी देर खेल के आ जाएगा, बट नहीं, इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करें, बच्चे को ना जाने दें। नेक्स्ट है अपने बच्चे के फेस को बार बार उसको हैंड से टच ना करने दें, उसको बोलें कि हैंड से अपने फेस को टच नहीं करना है, क्योंकि अगर हैंड के अंदर कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, तो अगर फेस को टच करेगा तो वो हमारे फेस से अंदर जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो अपने बच्चे को फेस को टच करने से मना करें। उसके बाद है किसी भी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में बच्चे को ना आने दें जिसको या तो कोल्ड है, कफ है या फीवर है, उससे क्या होगा कि बच्चा हमारा प्रोटेक्ट रहेगा। तो ये थी हमारी कि बच्चे को हमें क्या नहीं करने देना है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमारा बच्चा बिज़ी कैसे रहेगा, हम उसको क्या करने के लिए दें कि जिससे वो हम घर पे ही रहे और बिज़ी भी रहे। तो इस चीज़ के ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि हम अपने बच्चे को कैसे घर में बिज़ी रख सकते हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये सब पॉइंट्स जो हैं हेल्पफुल रहेंगे, कहीं ना कहीं काम आएंगे, आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो आप अपने आपको अपने बच्चे को वायरस से, COVID-19 से बचा पाएंगे। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम, बाय।